बहुत सुंदर है ना। चलो चलो काम पे लगो। बोलो करना कौन सा मुश्किल काम है, चाकू उठाओ और काटो। फ्रेश वाली मॉर्निंग, हल्की हल्की धूप है, थोड़ी सी हवा है, ठंड है और चिड़ियों की ना चाय 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 मीठी सी आवाज़ें आ रही हैं डिफरेंट तरह की। सुबह के सिर्फ 7:30 हो रहे हैं, फ़ोन से मेरी आँख खुल गई। आज वुमेंस डे है, सो हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। वैसे तो हर दिन हमारा दिन होता है बट एक स्पेशल दिन अपने लिए। चलो अंदर चलते हैं, ठंड लग जाएगी। थैंक यू सुबह सुबह गरम गरम पानी। और कल ना मैंने वुमेंस डे का एक कोटेशन पढ़ा, एवरी वुमेन कैन क्रिएट अ मैजिक। कितना अच्छा सा कोट है ना। एक्चुअली हमारे हाथों में होता है, हम तो कुछ भी मैजिकल बना सकते हैं ना, अपने घर को, अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को, एनीथिंग मैजिक। तो चलो इस ब्लॉग में भी कुछ मैजिक करते हैं। और भी एक चीज़ है, आज स्पेशल डे है, हमारी एनिवर्सरी है, 12th एनिवर्सरी, 12 साल हो गए। 8 मार्च 2008 शादी हुई थी हमारी, सैटरडे था, आज है संडे। लास्ट ईयर फ्राइडे था, लीप ईयर के कारण संडे हो गया आज। तो अच्छा है, सब घर पे साथ साथ हैं। और हमारा प्लान था कि हम विक्टोरिया जाएंगे, यहाँ से हार्डली 45 मिनट्स 50 मिनट्स लगते हैं। और आप लोग को बताया है कि ननाइमो में मंदिर नहीं है, तो मेरा मन था कि चलो विक्टोरिया जाते हैं, वहाँ पे है मंदिर तो दर्शन भी हो जाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो अच्छा सा कुछ खाना भी खा लेंगे, मॉल भी हैं बहुत सारे, थोड़ा घूम फिर लेंगे। बट फिर अभी सिचुएशन ऐसा चल रहा है ना कि सभी मना कर रहे हैं कि मत जाओ, बाहर का मत खाओ, तो फिर हमने कैंसिल कर दिया। तो अभी बनेगा सिंपल सा हमारा घर पे बैठ के एनिवर्सरी। और ये केविश ने दिखाओ, तो दूर से दिखाना पड़ता है, इतने सामने से नहीं होता। हाँ, कल डायनासोर लाया था डॉलर स्टोर से, हाँ उसने पूरा ब्लैक पेंट कर दिया उसको। इसके नीचे बहुत सारे डिफरेंट कलर्स थे और फिर लास्ट में सारे डिफरेंट कलर्स के ऊपर उसने ब्लैक। अच्छा लग रहा है। ओके, कौन सा डायनासोर है ये? वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। आजकल तो काफ़ी लोग वुमेंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं, जो कि अच्छी बात है। कोई भी स्पेशल मौका हो, बहाना मिले लाइफ में सेलिब्रेट करने का, करना चाहिए, अच्छा लगता है, थोड़ा स्पेशल फील होता है ना। और पता है, मैं सच में अपने आप को लकी मानती हूँ कि कभी मेरी फैमिली में शादी से पहले या शादी से बाद कभी ये फीलिंग नहीं आई मुझ में कि अरे मैं लड़की हूँ इसलिए मैं ये नहीं कर सकती, जो कि बहुतों के साथ होता है, बहुतों से मैंने सुना है, मेरी बहुत सारे फ्रेंड्स से सुना है कि उन्हें फेस करना पड़ता है। तो आई एम रियली फील कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि शादी से पहले भी घर पे बेटियाँ तो हमारे घर पे नाजों से पलती हैं, बोलते हैं ना, वैसे ही सारे नखरे उठाए जाते हैं। और शादी के बाद भी अनुज की कोई सिस्टर नहीं है, तो घर पे लड़कियों को, बेटियों को, बहुओं को रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो आई रियली थिंक कि मैं तो बहुत ज़्यादा लकी रही हूँ इस मामले में। ब्रेकफास्ट हो गया है, नहा धो के तैयार, बाहर वेदर इतना अच्छा है ना, अनुज ने बोला सारा काम छोड़ो चलो बाहर चलते हैं। ऐसे दिन पे तो मन करता है कि कुछ इंडियन पहनो, कुर्ते पहनो, बट अब ठंड में बाहर जा रहे हैं तो कुर्ते के ऊपर जैकेट बहुत ही फनी लगता है और वो स्पोर्ट्स शूज भी फनी लगता है, तो इसलिए मैंने ये टी शर्ट पहन लिया। ये भी नया ही है, नया मैं ज़रूर पहनती हूँ। और देखो इस टी शर्ट पर क्या लिखा है, से लेस डू मोर, इसलिए हम कम बात करते हैं और चलो खूब सारी मस्ती करते हैं। बाल भी चिपकू चिपकू हो रहे हैं, बट शैम्पू करने का टाइम नहीं है,
जल्दी जल्दी चलो इससे पहले कि वेदर फिर से खराब हो जाए। आज तो सच में मस्त वाला वेदर है, बट पता है लास्ट ईयर इससे भी अच्छा था। मुझे याद है हम बिना स्वेटर के घूम रहे थे एनिवर्सरी वाले दिन। हाय, बहुत सारे लोगों ने विश किया है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच याद रखने के लिए, क्योंकि मैंने तो किसी भी प्रीवियस ब्लॉग में बताया भी नहीं कि एनिवर्सरी आ रही है, बट आप लोग में से बहुत लोगों के मैसेजेस आए इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी। सो थैंक यू सो मच, खासकर जब आप इंडिया से बाहर हो, आपके फ्रेंड्स यहाँ बहुत कम है। हाँ। जिनको मतलब कुछ लोगों को याद है, इंडिया से भी कॉल्स आते हैं, बट बहुत स्पेशल फील होता है सेम डे पे विशेस मिले जो अनएक्सपेक्टेड हो। तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड विशेस और भी ज्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे तो विशेस कल से भी आ रही है, कुछ एक फ्रेंड्स की कल ही विश आ गई थी। तो कनाडा में यही होता है, एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, दो दो दिन सेलिब्रेट करने को मिल जाता है। बहुत ही अच्छी धूप है, तो एनिवर्सरी की यही गिफ्ट है कि वेदर अच्छा है। सुंदर है ना, समर्स में ना ये जगह बिल्कुल जन्नत लगती है, बहुत ब्यूटीफुल लगती है। इस जगह का नाम है डिपार्चर बे। और ये जो रेड शिप दिख रहा है ना आपको, यहीं पे कहीं पे है वैंकूवर। अरे वैंकूवर पीछे नहीं? है उससे भी पीछे। अच्छा बहुत पीछे, बहुत पीछे, बट इसी डायरेक्शन में। बहुत सुंदर जगह है ये, और इवनिंग में समर्स में हम कभी कभी आते हैं वीकडेज को भी, और बहुत अच्छा लगता है, बच्चे प्ले कर लेते हैं वाटर में, सैंड भी है, और अभी धूप पड़ रही है ना पानी पे, शाइनी शाइनी वाटर, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। जब हम यहाँ पे घूमने भी आए थे ना, लाइक जब अनुज का जॉब कन्फर्म हुआ था और हम डिसाइड करने आए थे कि हम शिफ्ट करें या ना करें, तो हमें ये वाली जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी थी, है ना यशा? यहाँ पे एक पार्क भी है, हमने खूब सारा प्ले किया था वहाँ पे। And also I came here on a field trip too. हाँ, स्कूल से भी आई है यशा फील्ड ट्रिप पे। ये यहाँ पे नाम लिखा जा रहा है येशा। ये देखो पानी के पास लेके जा रही हूँ आप लोगों को, ये वेव्स का साउंड कितना अच्छा लगता है ना। ठंडी ठंडी हवा, सामने समंदर और हाथ में गरम चाय, और आप लोगों से गुफ्तगू। सही है ना, मजा नो लाइफ। एनिवर्सरी ऐसे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, नॉर्मल सा, सिंपल सा, नेचर को एंजॉय करेंगे घर पे बैठ के, आराम से घर का खाना खाएंगे। अब क्या करें, सब मना कर रहे हैं ना कि बाहर मत खाओ, नहीं तो हम हमेशा एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे तो बाहर से एक टाइम तो मंगवाते ही हैं, बट वही है, कुछ होगा नहीं, बट ठीक है ना, प्रिकॉशन ले लेना चाहिए। क्या हो जाएगा अगर बाहर से नहीं खाएंगे, तो थोड़ी मेहनत करके घर पे ही बना ली जाएगी, है ना। बीच के बाद हम पार्क चले गए थे और हमारे फ्रेंड्स भी आ गए थे, और फिर सारे बच्चों ने मिलके खूब सारा प्ले किया, है ना। अराउंड 11 o'clock गए थे हम, और अभी 2 बज गए, सबको लगी है भूख जोरों से, चिकन में मैरिनेट करके गई थी, तो अभी जाती हूँ जल्दी से बनाती हूँ, राइस भी मैं बना के गई थी।
और आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन, पंजाबी चिकन टाइप, जिसको पटियाला चिकन भी बोलते हैं। और मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये बहुत हेल्दी फॉर्म है, बट हाँ कभी कोई गेस्ट आ रहा हो, स्पेशल ओकेजन हो, वीकेंड में कुछ स्पेशल बनाना हो, तब आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करना। थोड़ा रिच होता है क्योंकि इसमें काजू भी जाता है, क्रीम भी जाता है, खूब सारा अनियन फ्राई करने के लिए, खूब सारा तेल भी जाता है, तो कभी कभी बनाने के लिए अच्छा है, नॉर्मल डेज के लिए नहीं। तो जल्दी जल्दी बनाते हैं। मैंने मैरिनेट करके रख दिया था, इसमें मैंने डाला है नमक, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, खूब सारा जिंजर गार्लिक का पेस्ट और दही डाल दिया था। और एक दो घंटा आप मैरिनेट करके रख दो, एनफ होता है। और अनियन खूब सारा चॉप करना है, अगर आप ग्रेट करके उसका पेस्ट बना दो तो और अच्छा है, और डेफिनेटली जिंजर गार्लिक तो चाहिए ही। तेल में डाला है मैंने लौंग, इलायची और सिनेमन स्टिक, आप चाहो तो क्यूमिन सीड भी डाल लो। फिर खूब सारा जिंजर गार्लिक अच्छे से फ्राई हो जाए, फिर अनियन का पेस्ट डाल दो, और जब अनियन अच्छे से थोड़ा ब्राउन हो जाए फिर टमाटर डाल दिया है। और नमक पहले डालने से अनियन और ये टमाटर बहुत अच्छे से कुक हो जाता है। फिर नॉर्मल स्पाइसेस डालेंगे, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, अब मैंने थोड़ा सा इसमें से निकाल लिया है और फिर चिकन ऐड करके चिकन को अच्छे से भुनेंगे। इसको कवर करके पका लो, फिर चिकन अच्छे से भुन जाएगा। और यहाँ पे मैंने कट कर लिए थोड़े कैप्सिकम, अनियन और जिंजर गार्लिक। और अलग से पैन लेके थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है, उसमें डाला है क्यूमिन सीड, जिंजर गार्लिक और ये अनियन और कैप्सिकम, हल्का सा फ्राई करेंगे। और उसके बाद वही बेसिक मसाले, धनिया, नमक, हल्दी, रेड चिली पाउडर और जो मसाला निकाल के रखा था वो भी ऐड कर लिया है और इसको अच्छे से भुनेंगे। ये काजू मैंने सोख करके रखा था, इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। और अब ये मसाला भुन गया है तो मैंने इसमें काजू का पेस्ट ऐड किया है। काजू के साथ इसको थोड़ी देर भुनेंगे और फिर इसको ऐड करेंगे चिकन में, और इसको मिक्स करके चिकन को बहुत अच्छे से कुक करना है। बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। और फिर लास्ट में ऐड करना है कसूरी मेथी और फ्रेश क्रीम। दिया नहीं, ये देखो, ये शान के विष्णु मिलके मुझे ये कार्ड दिया है, हैप्पी एनिवर्सरी मॉमी एंड डैडी। मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था ना कि येशा ने रबैंड से ऐसे ब्रेसलेट नेकलेस बनाना सीखा है, तो देखो कितना अच्छा सा बनाया उसने। ये मेरा है, ये मेरा है, नहीं ये आपका नहीं है, वो पापा ये की है, वो ब्लैक है, आई लव इट। किसका है वो? आपके लिए भी तो बनाया था, इसका कहाँ गया? ये मेरी बॉक्स में है, लेके दो इसको और केश दिखाओ, ये लो गिफ्ट। देख लो, देख लो, देख लो। ये वाला अनुज के लिए बनाया है, ब्लैक और ये मेरी है, ये येलो वाला येशा का है और मेरी केयूष का, ये लो पहन लो। थैंक यू पापा और केयूष की से। पापा लो पहनो। मैं कुछ काम कर रहा था, मेरे हाथ से वो निकाल के लेके गया कोई, मुझे नहीं पता कौन, पता ही नहीं चला काम कर रहा था यार, कौन निकाल के गया। ओहो बॉयज 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 एंड वी आर गर्ल्स गर्ल्स प्रिटी कलर्स। आई वांटेड टू मेक ये मुझे सिखाने वाली है, फिर मैं आप लोगों को ये वाले रबर बैंड देखो कितने प्रिटी है ना, ब्लैक में व्हाइट के छोटे डॉट्स हैं और ये कलरफुल वाले भी ऐसे ही हैं। बॉयज टीथ, बॉयज एंड गर्ल्स टीथ, या नो सो ओके हियर यू गो लाइक दैट, यू सी दीस टू फिंगर्स, आल्सो आई टोल्ड हिम टू टाइम्स, सो black one. Thank nice you. Rainbow bracelet with some black words. देखो दोस्तों मेरी एनिवर्सरी और मुझसे इतना सारा काम करवा रही है ये लड़की, देख लो ध्यान से इस लड़की को।
बोल रही है चलो केक बनाना है साथ में. जमानत में केक. लेट्स गो. लेट्स गो. डैडी को बोला इसने. तनुज बोलते मुझे नहीं आता बनाना. अब मेरे पीछे पड़ी. अभी तक मैं ब्लॉग एडिट करी थी, अभी अपलोड पे लगाया है. अब जा रही हूँ केक बनाने. बोलती मुझे रेसिपी लिख के दो. And I have cake written on the front. Cake. Walnut cake. I just broke it. नया पैकेट लेके आया ना कॉस्को से, उसको खत्म भी तो करना है. आज देखो इस टाइम पे कितनी अच्छी धूप निकली हुई है. और कल ना इसी टाइम पे हम बेड पे बैठे हुए थे, अनुज सो रहे थे और अचानक स्नो स्टार्ट हो गई. लाइक हैवी स्नो नहीं, हल्के से फ्लरीज थे और ग्राउंड पे आते आते वो पानी हो रहे थे. 20-25 मिनट के लिए हुआ होगा और उसके बाद फिर से अच्छी वाली धूप निकल गई. तो ये है यहाँ का वेदर. आज ना हम अपने फ्रेंड से मिले थे तो उनकी बेटी हिंदी में अच्छे से बात करती है, तो उन्होंने बोला कि हमारे घर में रूल है कि अगर ये हिंदी में बात नहीं करेगी तो इसको पूरा घर क्लीन करना. तो अनुज अभी येशा को बोल रहे हैं कि येशा अब हमारे घर का भी यही रूल है, तुम हिंदी में बात नहीं करोगी तो तुम्हें घर क्लीन करना होगा. तो बहुत ही इजी है, मैं कर लूंगी. चलो चलो काम पे लगो पापा. ये आ रहे हो वॉलनट खा के जा रहे हो. वॉलनट करना क्या है? वॉलनट को कट करो, केक में डालना है. बोला केक बनाने के लिए केक. तो केक बनाना कौन सा इतना बड़ा हार्ड काम है? रेसिपी निकालो बना लो. वॉलनट काटना कौन सा कौन सा मुश्किल काम है? चाकू उठाओ और काटो. Tick tock, the clock keeps ticking. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. No, me and James have. Happy anniversary to us. Happy anniversary to us. Happy anniversary to us. दोस्तों बहुत अच्छा केक था, इतना अमेजिंग. इतना अमेजिंग केक मैंने लाइफ में कभी नहीं खाया. इनको कैसे अच्छा लग रहा है? मीठा बहुत कम है, बहुत ज्यादा. मैंने एक्चुअली जो रेसिपी देख के बनाई उसमें व्हाइट शुगर था और मैंने ब्राउन शुगर डाला, तो ब्राउन शुगर का की मिठास कम होती है, तो जितना व्हाइट शुगर का क्वांटिटी था मुझे उसके अकॉर्डिंग ब्राउन शुगर ज्यादा डालना चाहिए था, तो मैंने डाला नहीं. और ये लोग इतना शोर मचा रहे थे ना, और उसी टाइम फोन भी आ गया और इधर उधर कुछ ये डाल रहा है, कुछ येशा डाल रही है, सारे मिक्स में पता नहीं क्या बना. चलो बन गया. इन दोनों को अच्छा लग रहा है, ये मस्त खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. इनका डिनर यही है. खाने से पहले डेजर्ट हो गया. चलो कोई नहीं, हमें तो वैसे भी केक का नहीं था. येशा इज्जत कर रही थी कि बिना एनिवर्सरी ये ये शायद जिद कर रही थी कि बिना केक की कैसी एनिवर्सरी, तो केक बनाओ.
तो मेरा मन नहीं था बिल्कुल केक बनाने का, शायद इसीलिए इतना अच्छा नहीं बना. एनीवेज ऐसा ही रहा हमारा बहुत ही सिंपल सा नो फैंसी एनिवर्सरी. तो होप आप लोगों ने हमारे साथ थोड़ा बहुत एंजॉय किया होगा. कुछ भी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि अगली बार केक अच्छा. तो चलो मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ध्यान रखो, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप इट लॉट. डैडी टर्न अराउंड, बाय बाय. You so bad, won't you come back to me? I've got you in